जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच विद राइट पीपल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जिनको मैसेज पहुँचाना है आपने उनके साइको एंड डेमोग्राफिक्स को जरूर स्टडी करना है, देन यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट। आपने देखा है कि बच्चों ने करेक्ट भी किया अपने आप को। जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो इंस्पिरेशंस मोस्टली नेगेटिव साइड से ज़्यादा लेकर आते हैं, और बच्चे मेरा ख्याल पेरेंट्स के अंडर रहकर भी पेरेंट्स से बहुत दूर है, ओवर उनके शेडो के नीचे इनफैक्ट नहीं है, वो इंस्पिरेशन कहीं और से ले रहे हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग जिसको आती है, जो आप सिखाती हैं, दे हैव गॉट अ ह्यूज फ्यूचर। यस, एंड नंबर टू इज द व्लॉगिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच आज के टाइम में और एरा में इट्स अ बज़वर्ड। हम तमाम लोग ये बिलीव करते हैं कि जहाँ पे हमारी आइडियाज़ हैं, ओपिनियन है, उसका एक्सप्रेशन अगर हम बगैर किसी रुकावट के उसका इजहार कर सकें तो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हुए हम रुक जाते हैं कि बाज़ का ची वल्गैरिटी की तरफ चला जाता है, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ को हम टच कर लेते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाते हैं। फेमिनिज्म के हवाले से जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स हैं, वर्ल्ड ओवर बेशुमार मूवमेंट्स हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फेमिनिज्म को अक्सर कोरिलेट किया जाता है। मैंने आज एक ऐसी मेहमान को यहाँ पे बुलाया जिनका जो बहुत बड़ी एडवोकेट हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइटर हैं, बड़ी अच्छी किताब लिखी है, पढ़ाती हैं लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन में, मैस कॉम की वो टीचर हैं, आज हमारे साथ हैं मुनीबा इफ्तिखार। मुनीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली एक ड्रामा चला और उसमें खलील रहमान कमर ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट, दानिश को मार के तो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की, लेकिन एक कंट्रोवर्सी उन्होंने ये भी क्रिएट की जब उन्होंने विमेन राइट पे बात करना शुरू की और ख्वातीन ने ये कहा कि ओके दिस इज समथिंग जहाँ पे विच इज़ गेटिंग वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पहले मुझे आप बताएं कि आप कैसे डिफाइन करती हैं ताकि मैं उसको फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस कर सकूं। देखें, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर देखें तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, आइदर आप मेल हैं या फीमेल हैं, और इसके बड़ी सादा से अल्फाज में जो डेफिनेशन है जिस पे मैं बिलीव करती हूँ वो ये कि आप अपनी राय का इजहार बगैर किसी सेंसरशिप के या बगैर किसी रुकावट के दूसरे तक पहुँचा सकते। लेकिन वो राय अगर दूसरे को तकलीफ दे रही है, मेरे ख्याल है उसमें फिर थोड़ा सा लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर बात इस तरह की है कि जिसके ऊपर हमारी अगली नस्लों की फलाह बहबूद मुनसर है तो फिर मेरा ख्याल है बात कह देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बात गलत लोगों के सामने कर रहे हैं जिससे इम्पेक्ट नहीं आने वाला, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, वो आपकी बात से इख्तलाफ करेंगे और इख्तलाफ भी इस तरीके से करेंगे कि आपका आइडिया जो है उसको वो ना सिर्फ उसे इख्तलाफ करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे विजडम हो सकती है। सो डू यू थिंक कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच विद राइट पीपल इज इक्वली इंपॉर्टेंट? Yes, it is very important, but being a communication specialist, we have been learned that the message should be receiver oriented. You should know that who are your audience. Okay. So if you know that your audience cannot bear your message, then you have to make the message in a way that they can even listen you. रिस्पॉन्स दें या ना दें, लेकिन हमें ये चूँकि हम सिखाते भी हैं, सिखाया भी जाता है कि जिनको मैसेज पहुंचाना है आपने उनके साइको एंड डेमोग्राफिक्स को ज़रूर स्टडी करना है, देन यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट। मुनीबा, यू बीइंग अ टीचर आल्सो, मुझे ये बताएं कि बड़ा मुश्किल है आज की जो जनरेशन है, जो मिलेनियम जनरेशन है, उसकी अगर हम बात करें तो द क्वेश्चन, बहुत सारी बातें वो पूछते हैं, बाज़ का तो वो रेलिवेंट होती हैं, बाज़ का तो वो रेलिवेंट नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम एट टाइम वो रेलिवेंट नहीं भी होती, लेकिन हमें सुनना इसलिए पड़ता है कि वो ये कहते हैं कि क्वेश्चन करना हमारा हक है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। लेकिन अगेन, रेलिवेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो जनरेशन के क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे असेस करती हैं कि उनके मेरिट्स कितने अच्छे हैं और कितने ठीक नहीं हैं? जिन बच्चों बच्चियों के साथ मेरा तदरीस का अमल है वो ऑब्वियसली 18 प्लस के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज को तो हम नहीं पढ़ाते, 18 प्लस से समटाइम्स हमारी एज से बड़े लोग भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। बड़ा गैप होता है, मैंने जो देखा है गैप वो ये देखा है कि बैकग्राउंड बड़ी मैटर करती है बच्चों की, और उमूमन मैंने ये देखा है कि जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो इंस्पिरेशंस मोस्टली नेगेटिव साइड से ज़्यादा लेकर आते हैं। ओके, और जो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या जिनका बैकग्राउंड पढ़ा लिखा है उन बच्चों की क्लैरिटी जो है वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है। अब चूंकि हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे पास ज़्यादा क्लास वो आती हैं जो कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपना हथियार बना लेती हैं, और सवालात समटाइम्स आप यकीन करें ऐसे होते हैं कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेरे और इनके रुतबे का एक लिहाज है, एक उम्र का लिहाज है, मैं इनके इन अल्फाज को
किस तरह से जो है समझाऊं इनको कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं. और थोड़ा सा मैंने देखा कि यूथ जो है ना, इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसके दिमाग में अगर कोई ड्रामे की कोई बात फिट हो जाए या किसी लीडर की कोई बात फिट हो जाए तो उसको ये मैन्युपुलेट ऐसे करते हैं कि फिर कभी कभी हमें परेशानी भी होती है कि मुआशरा किस तरह है. मुनीबा, ये जो हमने तरबियत की बात की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिस तरह आपने कहा कि फ्लुएंट फैमिलीज जो हैं, शायद उनके इंस्टीट्यूशन या घरों से तरबियत जो उनको मिलती है वो आगे उनके आइडियाज़ को भी रिफाइन करती है. अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है, अगर उनके बच्चों को हम देखते हैं तो शायद वो तरबियत का जो अमल है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस टेलीविज़न पे बैठ के जिस तरह एक दूसरे की बैशिंग करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें जिनको हम प्रमोट करते हैं, बड़ी हाईलाइट करते हैं और वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिससे ये बच्चे इन्फ्लुएंस लेते हैं, डू यू थिंक दैट इज़ दी वन जो कि जो माँ बाप का रोल है उसको ओवर शेडो करता जा रहा है? बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन जीन्स. ओके, पेरेंट्स ने तो आपको जो सिखाया लेकिन जब वो एक्सपोजर मिलता. नंबर टू ये कि फिर मैं कहूँगी कि अगर मैं मीडिया पढ़ाती हूँ तो मैं मीडिया रिसर्चर भी हूँ और मैंने ये देखा है कि अब जो डिजिटल मीडिया है उसकी एक्सेस इतनी कॉमन है कि मेरा ख्याल है कि एक आइसोलेशन घर में क्रिएट हो गई है और बच्चे मेरा ख्याल पेरेंट्स के अंडर रहकर भी पेरेंट्स से बहुत दूर है, ओवर उनके शेडो के नीचे इनफैक्ट नहीं है, वो इंस्पिरेशन कहीं और से ले रहे हैं. ठीक है. और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की स्टूडेंट्स में कि जो हमारे यहाँ इस दफ़ा इलेक्शंस हुए और जो उनकी कैंपेन्स थी तो उसमें जितना लीडर्स के कम्युनिकेशन को फॉलो किया गया उसकी चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं, जो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी अच्छी नहीं. अच्छा, करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दुनिया में हर जगह पे कुछ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, उसका एक फ्लो होता है, एक उसका टेम्पो बनता है, लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ पे उसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी होती है. ये जो ऑन स्लॉट है डिजिटल मीडिया का, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की भरमार है, हम लेफ्ट राइट सेंटर, हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बच्चे पहले तो उससे इन्फ्लुएंस लेते हैं, शायद गलत साइड पे सोचते भी हैं, लेकिन क्या वक्त के साथ साथ आपने, यू बीइंग अ टीचर, यू बीइंग एन ऑब्जर्वर आल्सो, आपने देखा है कि बच्चों ने करेक्ट भी किया अपने आप को? जिस तरह अभी वोट देने के बाद हम सब अब पछता रहे हैं या करेक्ट करने का सोच रहे हैं, डू यू थिंक कि पर्सनैलिटीज़ में भी करेक्शन आ रही है दो तीन साल उस फेज में रहने के बाद? देखें, जो करेक्शन मैंने देखी है ना, वो मैंने ये देखी कि पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि पाकिस्तानियों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, वो बोल नहीं सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है. उसमें तो काफ़ी हद तक मैंने मुस्बत चीज़ें देखी हैं, अंग्रेजी बेहतर हो गई, बेहतर हो गई है. मीरा वाली अंग्रेजी है वो नहीं है, वो नहीं है, राइट. नंबर टू ये कि वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई है, स्लैंग लैंग्वेज बेशक हुई है, वो ये. नंबर टू ये कि मैंने देखा कि लोगों को ना खुद को ग्रूम करना भी आ गया है. ठीक है. और मैंने अमूमन ये देखा है कि हमारे पास बच्चियां आती हैं सेमेस्टर वन में, वो बड़ी डिफरेंट सी होती हैं, बोलती भी डिफरेंट है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम खुद उनमें एक चेंज देखते हैं और ज़्यादातर उनकी इंस्पिरेशन जो है वो उनका सोशल मीडिया होता है. इंटेलिजेंस को जहाँ डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में आपकी वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो इन अ वे दिस हैज हेल्प्ड एक्चुअली. अच्छा, मैं फर्दर ज़रा इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप जो मैथ्स काम है, कम्युनिकेशन है, उसमें बच्चे बच्चियों को देखते हैं तो एक ट्रेंड होता है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिस तरीके से टीवी चैनल जो हैं वो आए और लोगों ने देखा कि दिस इज़ अ ग्लैमरस एरिया, इट्स अ वेल पेड एरिया आल्सो, सो वी सी लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग इनटू द मैथ्स काम और पर्टिकुलरली लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई. लेकिन अब तो डाउन साइजिंग शुरू हो गई, बच्चों को जो बच्चे थे या लोग थे उनको निकालना शुरू कर दिया. डू यू थिंक इट्स स्टिल अ फ्यूचरिस्टिक एरिया? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका, मैं बहुत जॉबलेस बच्चों को देखता हूँ, उनको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही. हाउ डू यू सी दिस प्रोफेशन इन द फ्यूचर? ऑब्वियसली अभी तो जो डाउन साइजिंग का ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम, बट व्हाट आई हैव सीन दैट जो डिजिटल मार्केटिंग का एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है. अच्छा, दैट्स अमेजिंग. यस, मेनी ऑफ मैथ्स कॉम में ये कवर होते हैं. यस, इट डज कवर बिकॉज दे नो हाउ टू मेक अ कॉन्टेंट टू अट्रैक्ट द पीपल. तो वो चूँकि कंटेंट क्रिएशन उनको सिखाई जाती है, उन्हें ये पता होता है कि वो हाउ टू मेक अ मैसेज फॉर द मार्केट. सो दे मेनी गर्ल्स आर इनटू दिस. मुनीबा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे जो अभी, बिकॉज डिसएडवांटेज ये है कि जब आप मास्टर्स करने के जाते हैं या आप ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स काम जो है उसको ऑप्ट किया होता है तो आप सिर्फ एंकर या प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में होते हैं. डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि जो जो मॉडर्न टाइम है जिसमें आप ये देखें ना, एस टी लॉडर जो है
उनका पिछले साल का जो बजट था अगर आप उसको असेस करें तो उसमें 70% जो ट्रेडिशनल मीडिया था और 30% जो है वो डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन इस साल इट इज अदर वे राउंड, 70% जो है वो सोशल मीडिया के लिए और सो इट्स मीन के जो डिजिटल मार्केटिंग जिसको आती है जो आप सिखाती हैं, दे हैव गॉट अ ह्यूज फ्यूचर. यस, एंड नंबर टू इज द व्लॉगिंग. Okay. They are creating their own channels on YouTube, right. And they have so many followers. So I think ke ab cheezein digitalized zyada ho rahi hain. To agar ye TV channels downsizing kar bhi lenge, to mera nahi khayal is field ko kuch fark padega. Very right, very right. Mass communication is going with the latest trend, and the current trend is a digital media. Aur every single product or service jo hamare ird gird hai, uski marketing ki zarurat hai, wo digital marketing se. Bloggers zabardast kaam kar sakte hain. Yes, bloggers bhi hamare apne students hain, semester 2 se bloggers, and I think are they earning good money also? Yes, they have told me that minimum they earn 25,000 per month. 25,000 yes. per month while being minimum. A student, yeah. aur wo bhi ghar se baith ke aap kaam yes, kar rahe hain. On their right, on right. their laptop, they just go home and sitting in front of their computer and they work on daily basis for 10 to 15 brands. Wonderful. Muneeba, aapne kitab bhi likhi hai. Ji. You know, hamari jo riwayat hai, hum khushkismat hain ki hamara ek culture hai, hamari tradition hai, jo ki bahar ke mumalik mein aap America chale jayein, 300-350 saal ke baad kuch nazar nahi aata. Jo wahan pe log hain, wo apne culture ko dhoondne ke liye Europe mein aate hain. We have a culture jise hum easily 5-6,000 saal pehle tak. Tell us about that folk communication jis pe aapne kitab likhi, how important it is and how neglected at the same time hamari society mein it is. It has been neglecting for the, I think more than 2 decades, because I was in Punjab University in the early 2000, the new century, and at that moment when I was a student, I have heard about this term. This is a very important type of media, but whenever I used to go to different libraries, I could not be able to find a single book on it, and that time internet itna common nahi tha, so there was nothing on internet. Then I became a teacher, and again I found it nowhere. So being a researcher, I had been into different countries where I used to meet different Indians, and I came to know that the Indian people whom we shared a joint culture. More or less we have the same culture, but they have been working on their culture a lot in terms of communication, in terms of anthropology and all, and we are so unfortunate that we have nothing to tell about our students that what is that the culture has become a medium as well. So kitab ki inspiration ye sab kuch this was tha. My inspiration, right. Although I was a person of advertising and PR, and I've started my book on advertising, but I just stopped it and try to write or to just give a form of a book to my students, because advertisement pe aur marketing pe bahut kuch hai, ye wo area tha jahan pe theek hai. To maine response kiya sa raha, main aage ye bhi dekhna chahta hu ki this is something which you realized, felt it's very important, lekin receptive kitna idea tha ye aapka. Maine is book ko all over Pakistan tamam universities mein bheja, kahiyon ne online bhi mujhse mangwaya. बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि यू हैव गॉट विद अ वेरी यूनिक आइडिया, इवन वी हैव फॉरगॉटन दिस टर्म. ये जो जर्नलिस्ट हैं हमारे भाई जिन्होंने मंगवाए, उन्होंने को आर्टिकल लिखे इस पे? हाँ जी, उन्होंने रिव्यूज लिखे, अपने मैगजीन्स में लिखे, पेपर में लिखे, और जो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी वो ये थी कि एक तो मैंने इसको काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर लॉन्च किया. मुझे बल्कि उमूमन आपको स्पॉन्सर्स किसी कॉन्सर्ट के मिलते हैं, बट आई हैव गॉट अ स्पॉन्सर फॉर द बुक लॉन्च सर्विस इंडस्ट्री में अभी event. अब मुझे समझ आई वो जो मार्केटिंग की आपकी वो है ना, दैट रियली हेल्प यू इन दैट एक्चुअली. ठीक है, मेनी रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड पीपल फ्रॉम एकेडेमिया दे डिड अटेंड दैट फंक्शन. उसकी तकरीबन 9 जो है टीवी चैनल्स पे कवरेज हुई. नो, टेल मी बिट, इसका फ्यूचर आप क्या है? जो आपने ये इनिशिएटिव लिया मुनीबा, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ और स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल्स एट टाइम चेंज नहीं ला सकते, इट्स फॉर द गवर्नमेंट जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं. कल्चर का प्रोटेक्ट करना हम उन्हें बता सकते हैं, लेकिन अगेन इट्स फॉर द गवर्नमेंट. कुछ ऐसी आपने चेंज देखी गवर्नमेंट के जो कल्चरल डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे करोड़ों रुपया कल्चर के नाम पे लिया जाता है और ज़ाया किया जाता है, बट नथिंग एक्चुअली रियलाइजेशन की तरफ कुछ नहीं होता? नहीं, मैंने गवर्नमेंट का कोई अच्छा इसके ऊपर नहीं रिस्पॉन्स देखा, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट नहीं आई थी, लास्ट ईयर की बात है. तो उन्होंने कहा कि अभी गवर्नमेंट में आने से पहले भी तो हम कल्चर कहते थे, कल्चर को ऊपर लेके आएंगे, लेकिन नहीं हो सका. लेकिन ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लंदन में एक
ब्रिटिश पाकिस्तानीज की कम्युनिटी है, पाकिस्तान यूके कल्चरल फाउंडेशन, उन्होंने मुझे फिर है वो सब्सिडाइज्ड टूर पे वहाँ पर इनवाइट किया और मैं अगस्त में मैंने पाकिस्तान सेलिब्रेशन डे पे बुक को वहाँ पे लॉन्च किया और तकरीबन 30-40 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द लंडन जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज थे वो आए, फिर उन्होंने लोकल मीडिया पे भी इसकी कवरेज की, प्रेस में भी कवरेज हुई। मुनीबा, आप जो हमारी एम्बेसीज हैं बाहर के ममालिक में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पोटेंट किस्म का विंग मौजूद है जहाँ पे हमने अपना कल्चर जो उसको प्रमोट करने, और ख़ासतौर पे जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पे है, जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता, दिस बुक कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर देम टू लर्न अबाउट आवर कल्चर आल्सो। हैव यू मेड एन एफर्ट टू रीच आउट टू दीज एम्बेसीज आल्सो? यू मस्ट डू दैट। आई थिंक आई शुड गो फॉर इट बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूके आई वाज सो बिजी इन माय अदर बुक व्हिच आई एम प्लानिंग फॉर द एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस in Pakistan, because again there is no book on the contemporary practices of Pakistan sab bhai, lekin ye hai ki main bilkul ye bhi baat theek hai ki mujhe sirf ek country nahi, even one of my cousin, he is in America, he said that I have presented book to the Urdu forum over there, let's see what their response would be, but wo mujhe kehte hain ki you should get the visa, maybe they call you, you have to go there, right? Ab mujhe ek final area jo main jis pe discuss karna chahta hu, हमारी जो लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनके लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हमारे यहाँ पे हैं, बिकॉज बेशुमार प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन में रिलक्टेंस है, दे डोंट रियली, जिस तरह हमारा वकालत का प्रोफेशन भी एक लंबा अरसा लड़कियाँ नहीं आती, लेकिन अब तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं उनको हम देखते हैं। जो टीचिंग है प्राइमरीली ये कहा जाता है कि दैट यूज टू बी द नंबर वन चॉइस फॉर द गर्ल्स टू ऑप्ट एज ए प्रोफेशन एक्चुअली। Do you still think it's the number one profession? They feel more secure, they feel happy being a teacher? I think it depends upon from where you belong. Main ye bhi janna cha raha hu, bachiyan kya choice ke sath aati hain ya majboori ke sath aati hain ki this is the only option for them actually? Some people come with their own choice because they love to teach, and some think that it is a limited time period job, so it suits to them. Was it your choice? It wasn't, but now it's my passion. Achha, no, it's passion. Achha, that's great. Thank you very much, Muneeba. Bahut shukriya. Ye badi zabardast baat Muneeba ne end mein ki ke jo bhi aap kaam kare passion se kare to sky's the limit actually. Then you can really make inroads everywhere. Aur chand ek areas bade important the jo jiska perspective hame janna bada zaruri tha ki hamari aaj ki jo यंग गर्ल्स हैं लड़कियां हैं वो किस तरीके से उन चीज़ों को सोचती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उनका किस तरह का ख्यालात हैं, एंड आई बिलीव के वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर जो हमारे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें। आई रियली इनकर्ज के हमारी बच्चियां जो हैं विच मेक्स मोर देन 50% ऑफ आर पॉपुलेशन, दे मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, उनका थॉट प्रोसेस जो है उसका इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ जो हैं उसका मौका और अपॉर्चुनिटी जो है वो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट वी डिज़ायर। वी कैन नॉट रियली मेक अ बिग प्रोग्रेस अनलेस अंटिल दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्रेस एज इक्वल एज द मेन आर। थैंक यू वेरी मच।